गाइज लुक एट दिस, गेस द मॉडल, गेस द मॉडल। आज हमने ये कार बनाई है, ये आप देख सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी वेरिएंट है। गाइज आज हमें इस वाली गाड़ी में करनी है मॉडिफिकेशन, बलिनो 2022 मॉडल। ये सिग्मा वेरिएंट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें फॉग लाइट भी नहीं है, आगे से ग्रिल में क्रोम भी नहीं है, तो आप अंदर की तरफ देख सकते हैं। इसमें हम सारी आइटम लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ना इसमें स्टीरियो है, ना इसमें स्टेयरिंग है, ना स्टेयरिंग में माउंट होते हैं, ना आर्म रेस्ट है। तो आज हम कोशिश करेंगे बेस टू टॉप करने की, ये आप देख सकते हैं। पीछे में इसमें स्पॉइलर भी ऐड करेंगे, रिफ्लेक्टर्स भी ऐड करेंगे। जो भी बेस टू टॉप इसमें आइटम लगेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस सारी जो एक्सेसरीज है वो मारुति जेन्युइन हम इसमें फिट करेंगे, और कस्टमर ने कंपनी से ही पहले इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील लगा कर लाए हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी जो इसमें हम काम करेंगे आपको दिखाएंगे सारा बेस टॉप। और हम इसमें मिरर फोल्डिंग भी कर रहे हैं, जो कि मारुति के रहने वाले हैं। इसमें जो सारा काम होगा बेस टू टॉप काम रहने वाला है। तो गाइस यहां से काम हो गया है स्टार्ट। ये सीट्स रिमूव हमने कर ली है, वहां से आप देख सकते हैं डोर पैनल्स खोल लिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। पीछे से भी यहां से मिरर का काम भी चल रहा है, ये हमें ऑटो फोल्ड करने हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये वाली सारी एक्सेसरीज हमें इस गाड़ी में ऐड करनी है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारी मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज हैं। स्टार्ट करते हैं, ये रहे फॉग लैंप के कवर, ये रहा गियर नॉब इसका जो कि टॉप मॉडल में लग गया था, ये रही इसकी फ्रंट ग्रिल, ये रहे इसके एसी वेंट, ये अंदर के हैंडल क्रोम है, साइड मिरर है, ये रहा इसका हेड यूनिट जो कि मैक्सलिंग का है, ये रही इसकी स्टेयरिंग टॉप मॉडल वाली, वो रहा उसका आर्म रेस्ट जो कि मारुति जेन्युइन है, ये रही इसकी अंदर वाली लाइट। सारी जो एक्सेसरीज इसमें हम ऐड कर रहे हैं सारी जेन्युइन रहने हैं। अच्छा आप देख सकते हैं, ये रहा सीट कवर जो कि आउटोफॉर्म कंपनी का है, वो रहा डिक्की का स्पॉइलर, बेस ट्यूब भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं पाइनर का, एलईडीज भी हम अपग्रेड कर रहे हैं आगे पीछे, और ये रहे स्पीकर जो कि डोर में हम इसमें फिट करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं, ये हम इसमें रिमूव कर रहे हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं इनर डोर हैंडल, और हमने इसमें लगाया है टॉप मॉडल वाले। गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं स्पॉइलर हमने इसमें फिट किया है, हमने ड्रिल करके हमने इसमें जो स्पॉइलर फिट किया है, ना कोई टेप लगाई है ना कुछ। ये आप देख सकते हैं अंदर से हमने इसमें नट चढ़ाया है, ये आप देख सकते हैं। फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, एक भी गैप नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल 0-0 फिनिशिंग आई है। एंड टू एंड चेक कर सकते हैं आप, नीचे से भी आप देख सकते हैं, और हम जो कैमरा है यहाँ पर इसको फिट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं पाइनियर के हमने इसमें स्पीकर लगा लिए हैं विद प्रॉपर स्पेसर, हमने इसमें लगाई रिंग, और यहाँ से मिरर फोल्डिंग की वायरिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं ये मिरर फोल्डिंग की वायरिंग है, और वहाँ से भी बाकी काम चल रहा है, एंड्रॉयड वगैरह फिट हो रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। गाइस आप देख सकते हैं, ये हम इसमें रिमूव कर रहे हैं जो कि बिना आर्म रेस्ट का होता है। गाइस यहां से आप देख सकते हैं, ये हमने इसमें लगा लिया टॉप मॉडल वाला आर्म रेस्ट जो कि आप देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग में है। OEM रिप्लेसमेंट पार्ट होता है ये, इसको खाली नीचे से ये दो पेच होते हैं और यहाँ पर दो होते हैं, और कुछ नहीं करना। तो गाइस फाइनली गाड़ी हो गई है रेडी, ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट हो गया है कम्प्लीट। आगे में हमने इसमें फ्रंट ग्रिल लगाई टॉप मॉडल वाली, ये रही टॉप मॉडल और ये रही इसकी बेस मॉडल वाली, आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल। तो नीचे की तरफ आते हैं, नीचे में हमने इसमें फॉग लाइट कवर लगाई जो कि टॉप मॉडल में लग के आते हैं, और फॉग लाइट भी चेंज किया है मिंडा कंपनी का, और उसके साथ में इसमें LED भी ऐड करी है, ऊपर भी LED ऐड करी है और नीचे भी LED ऐड करी है। तो आगे में इतना था, तो पहले आपको चेक करके दिखाता हूं LED का रिस्पॉन्स। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रोशनी है, ये अभी खाली फॉग लाइट्स ऑन है और पार्किंग लाइट्स ऑन है, तो ये रही फॉग लाइट की रोशनी, और ये लो बीम हाई बीम आप देख सकते हैं, ये रहा हाई बीम और ये रहा लो बीम। तो गाइस रोशनी जो है आप देख सकते हैं कितना थ्रो ज़्यादा है इसका, नीचे आप देख सकते हैं रोड पर कितना दूर दूर तक थ्रो है, आगे रोशनी रोशनी है। तो अब चलते हैं साइड की तरफ, आप देख सकते हैं साइड में हमने इसमें OVM चेंज किया है मोटराइज्ड, इसमें कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल आते हैं, तो हमने इसमें टॉप मॉडल वाले लगाए हैं जो कि लॉक अनलॉक पे भी चलते हैं, और इसमें इंडिकेटर भी आता है। तो फिर आगे चलते हैं, ये डोर वाइजर भी हमने इसमें ऐड किए हैं सिल्वर लाइन, ये हैंडल क्रोम भी किया है ऐड,
तो और ये नीचे से लोअर गार्निश भी हमने इसमें ऐड किया है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। पहले आप देख सकते हैं अंदर में हमने इसमें ये वाले हैंडल क्रोम टॉप मॉडल वाले चेंज किए हैं। तो फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, ये एसी वाले वेंट जो है ये टॉप मॉडल वाले में इसमें चेंज हुए हैं। इसमें कंपनी से बाय डिफॉल्ट नॉर्मल आता है ब्लैक कलर, वो भी आपको दिखाऊंगा। नॉर्मल वाले आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं ग्रे पार्ट में, और ये आप देख सकते हैं इसमें टॉप मॉडल वाले लगाए हैं जो कि सिल्वर साइड से सिल्वर है और सेंटर में इसमें क्रोम है। आप देख सकते हैं कितना लुक इसका अच्छा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमने इसमें एंड्रॉयड भी लगाया है मैक्सलिंग कंपनी का। इसकी जो रैम है वो 4GB है और रोम जो है वो 64GB है। आपको रिवर्स का दिखा रहा हूँ मैं रेस्पॉन्स, ये आप देख सकते हैं HD कैमरा हमने इसमें इंस्टॉल किया है, AHD कैमरा, क्लियरिटी आप चेक कर सकते हो। इसमें हमने जो बाहर वाला पैनल है ये पियानो फिनिश में हमने इसमें ऐड किया है, और ये भी आप देख सकते हैं ये वाला क्रोम भी हमने इसमें डाला है। और फिर नीचे की साइड आते हैं तो ये वाला गियर नॉब भी हमने इसमें टॉप मॉडल वाला ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं साइड से इसका क्रोम है, और ये टॉप मॉडल वाला हमने इसमें आर्मरेस्ट भी लगाया है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है। और सीट कवर भी हमने इसमें लगाए थे आउट ऑफ होम कंपनी के, ये आप देख सकते हैं फिटिंग। आगे आप देख सकते हैं ये हमने इसमें लगाए थे ये वाला स्विच, ये बाय डिफॉल्ट कंपनी से नॉर्मल लग के आता है, और हमने इसमें ये वाला मोटराइजर लगाया है। आप देख सकते हैं मिरर वर्क भी कर रहा है, जैसे मैं लॉक करूँगा अनलॉक करूँगा। और हमने इसमें टॉप मॉडल वाली स्टेयरिंग लगाई है, ये आप देख सकते हैं इसमें जो लेदर है बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आता है, और ये ग्रे पार्ट, और ये रही इसकी नॉर्मल वाली। हमने इसमें रूफ लाइट भी लगाई है, और पीछे में भी LED वाइट लगाई है, और आगे में भी वाइट LED लगाई है। तो आप देख सकते हैं कैमरा हमने इसमें लगाया था सुपरवाइजर में, और हमने इसमें रिफ्लेक्टर भी लगाए, ये आप देख सकते हैं जो कि मैट्रिक्स भी है। और आप देख सकते हैं साइड में इसका प्रोफाइल। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग AI व्लॉग्स।